हिट्रोलिटिक में वहां दो चीज हुआ था, मुझे बता सकते वो क्या फॉर्म हुआ था? दो स्पीसीज फॉर्म हुआ था। टाइप करो टाइप करो। हिट्रोलिटिक में मैंने दो चीजें फॉर्म करके बताया था। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यस अंजलि, वेरी गुड। रिद्धि, नेगेटिव एंड इट मींस व्हाट? अनायन एंड कटायन। अनायन एंड व्हाट? कटायन, राइट, गुड, वेरी गुड। तो एक पॉजिटिव बना था और एक नेगेटिव बना था, राइट और हमने कल स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखा था फ्री रेडिकल का, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, राइट। तो वैसे ही आज हिट्रोलिटिक में देखो, वहां पे मैंने यूज किया था, वहां पे जो रिएक्शन जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रेजेंस में ब्रेक होता है, प्लीज टेल मी किसके प्रेजेंस में वो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है? जैसे होमोलिटिक तो सनलाइट, डिफ्यूज लाइट, यूवी रेज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट, यहाँ तक कि उसमें पेरोक्साइड भी चल जाता है, हायर टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है हिट्रोलिटिक, किसके प्रेजेंस में? कोई तो सॉल्वेंट है, कोल्ड, अंजलि, अच्छा कोल्ड, अच्छा ठीक है, वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड, पोलार एंड कोल्ड चलेगा, ठीक है, क्योंकि पोलार वाला कंपाउंड ज्यादा करके क्या होता है, कूलिंग सिस्टम में ही रहता है, राइट, पोलार, ओके कर्शिस, यस, बट पोलार वर्ड यूज करो, कोल्ड, ओके, वहां पे वो हीट, हॉट कंडीशन, तो ये कोल्ड कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपली सिंपली पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हिट्रोलिटिक का बॉन्ड ब्रेक होगा, और उन दोनों में एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, राइट, सुन रहे हो मेरी बात? तो जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया था HCl, राइट, HCl, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो यहाँ पे एक्चुअली में बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाना चाहिए, बट होता क्या है कि Cl है ना, इसका इलेक्ट्रॉन asymmetrical break of covalent bond between two atoms, unsymmetrical breaking of covalent bond between two atoms, one atom carries one atom electronegativity is more and another atom electronegativity is less, so highly electronegative elements pulls what both the electron shared paired electron towards itself are called what heterolytic fission, are called what heterolytic cleavage. तो चलो यहाँ पे भी generate होता है, मान लो मैं यहाँ पे carbon, इसमें भी free radical है ना, ये लो मैं यहाँ पे positive charge रखता हूँ, जो मैंने कल छोड़ा था, मैं बोला आज complete हो जाएगा ये, plus 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 plus, चलो मुझे बता सकते हो, यहाँ पे मैंने खाली चेंज किया है, ये फ्री रेडिकल जो नाम है ना ये हटा रहा हूँ, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? कटायन कहलाएगा, कार्बो कटायन। तो ये टर्ट ब्यूटाइल कार्बो कटायन हो गया, ये आइसोप्रोपाइल तो है, राइट, आइसोप्रोपाइल कार्बो कटायन, और ये इथाइल कार्बो कटायन, दो कार्बन है, और ये मिथाइल कार्बो कटायन, बस फ्री रेडिकल के जगह पे जो डॉट था उस डॉट को मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। अब मुझे बताओ, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? सिक्स, वेरी गुड। और फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था, जैसे कि मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं फ्री रेडिकल में और यहाँ पे कार्बोकैटायन में, राइट, तो sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों के दोनों sp2 थे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे तुम अगर देखो, मैं एक शॉर्टकट आइडिया बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तुम कभी भी चेक करोगे सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक दो और ये तीन, मतलब ये कार्बन तीन बॉन्ड से अटैच्ड है, और ये बॉन्ड जो होता है सिंगल, इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। जैसे कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो पाई इज अ वीकर बॉन्ड एंड सिग्मा एज बोले तो सिग्मा एज बोले तो स्ट्रॉन्गर। हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल होता है वो सिग्मा बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्लेवर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कार्बन अगर देखोगे तो तीन बॉन्ड से अटैच्ड है, तीन सिंगल बॉन्ड, तो तीन सिग्मा मतलब यहाँ पे हमेशा याद रख लेना मीनिंग इज व्हाट, एस एक एक एस को दे दो सिग्मा और बचा हुआ पी को दो दे दो एस पी, फोर सिग्मा अगर कभी भी मिलेगा फोर सिग्मा तो वो एस को एक दे दो और पी को बचा हुआ तीन सिग्मा बॉन्ड दे दो एस पी थ्री। एक ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए। और कभी भी अगर दो सिग्मा दिखा राइट, तो दो सिग्मा मतलब एस पी, क्या होगा एस एक और पी एक, इस तरह से एस। लिख के रखना है तो रख सकते हो, नोटबुक और पेन हमेशा रख रखा करो अपने साथ, जो पॉइंट अच्छा लगे राइट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तो जरूर नोट कर लिया करो। तो देखो मैंने एस पी थ्री के लिए बताया कि कार्बन चार अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो मतलब चार सिग्मा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री, शॉर्टकट आइडिया बता रहा हूँ। तीन सिग्मा मतलब एस पी टू और दो सिग्मा मतलब एस पी। तो यहाँ पे देखो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूँ, जैसे फ्री रेडिकल भी एस पी टू, अगर एंट्रेंस लेवल में वो फ्री रेडिकल कभी चेंज भी होता है, बट अभी मैं फिलहाल नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल भी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, इसका शेप जो होता है ना, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा एक प्लेन में आएगा, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पहली बार अगर सुन रहे हो या तो नहीं पता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसी केमिस्ट्री में तुम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर सीखोगे, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुम्हारे को वहां पे शेप पता चलेगा, स्फेरिकल डम्बल राइट, डबल डम्बल एस पी डी एफ, उसमें थोड़ा डिटेल नॉलेज मिलेगा। और फिर केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सीखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें तुम सीखोगे, डोंट वरी, ठीक है। और हुआ भी होगा तो अच्छी बात है। तो इसका शेप जो होता है ज्योमेट्री, हमेशा याद रखना एस पी टू बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर, एस पी टू बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लिख सकते हो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, राइट। ज्योमेट्री बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ओके। और मैं एस पी टू के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हमारे सामने एस पी टू है, एस पी थ्री और एस पी नहीं, तो उसमें मैं नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो एस पी टू ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। और ये जो कार्बोकैटायन भी क्या होता है सिम, ये भी मुझे बताओ, ये कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल, दानिश, वेरी गुड बच्चा, एंड प्राची, अंश, आचल, ओके, यस बच्चा, लो, वेरी गुड। क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, अभी भी उसको ऑक्टेट, हर एक की डिमांड होती है, हर एक की तमन्ना होती है ऑक्टेट फॉर्म करना, ऑक्टेट बोले तो स्टेबल हो जाना, राइट। तो ये ऑक्टेट होने के लिए इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इस कार्बन को, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए लुइस एसिड है, ये लुइस एसिड। देखो हाँ एक और मजे की बात बता देता हूँ, कार्बन पे सी एस पी, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सिखाया था। देखो ये फ्री रेडिकल वाला पार्ट है, ये डॉट है ना, अच्छे से आता नहीं है, ओके। अब देखो ये वाला, ये कार्बोकैटायन है फर्स्ट और ये सेकंड। मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है और ये कार्बोकैटायन 6 से और फ्री रेडिकल 7, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट होने के लिए, और इसकी रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट होने के लिए। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि ये पहला वाला लुइस एसिड है और दूसरा वाला भी लुइस एसिड है, तो पहला वाला बिल्कुल लुइस एसिड राइट है, क्योंकि लुइस एसिड का मीनिंग होता है
शेयर्ड पेयर्ड मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेता है उसी को बोला जाता है लुईस एफ। तो मैं बोलू कि अब यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लुईस एसिड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बच्चा लोग ध्यान दो। दिस फ्री रेडिकल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड हियर दिस कार्बोकैटायन ऑल्सो व्हाट कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट दो इलेक्ट्रॉन की है यहाँ पे, राइट। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बट अब मैं बोलूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल बोले तो हर एक इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकता। ऑल लुईस एसिड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट कॉल्ड व्हाट लुईस एसिड बिकॉज लुईस एसिड मतलब ये है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये लुईस एसिड है क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये तो सिंगल हो रहा है ना। देखो इसमें भी मैंने इंट्रेंस वाला पॉइंट ऐड कर दिया, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो दिस इज नॉट कॉल्ड लुईस एसिड, दिस व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज व्हाट लुईस एसिड, व्हाई बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा अंदर तक की मैंने बातें किया, तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको दो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड बट ऑल लुईस एसिड आर व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, फ्री रेडिकल में कहानी बदलता है, कभी कभी sp2 sp3 भी हो सकते हैं, बट वो इंटरेस्ट है। तो ये sp2 हुआ, ये ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, भाई भाई ये समझ लो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर है। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, 120 बॉन्ड एंगल हो गया। अब इनमें भी, इनको भी रिक्वायरमेंट है, इनको भी बैकअप है, इनको भी क्या है, बैकअप है ना, राइट, इनको भी क्या है, बैकअप। जैसे कि मैंने कल फ्री रेडिकल में बताया था बैकअप में कौन, बैकअप में ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का काम करेगा। इसमें एक कंसेप्ट और है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो अभी तक फिलहाल आया नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए, अगर मान लो इसमें दो, क्योंकि एक रेजोनेंस होता है जो अभी मैं सिखाऊंगा आगे आगे, एक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो भी मैं सिखाऊंगा, और आज इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर है इंडक्टिव। तो ये बात याद रखना, जो रेजोनेंस होता है उसको मेसोमेरिक भी बोला जाता है, प्लस एम प्लस आर के नाम से जाना जाता है, नेगेटिव आर नेगेटिव एम। तो एम के बाद आता है आई, सॉरी एम के बाद आता है एच, मतलब मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन आई, ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है मिसोमेरिक, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस भी बोला जाता है और मिसोमेरिक भी बोला जाता है। इसमें भी बहुत कुछ, जैसा भी मैंने लुईस एसिड के बारे में बताया, तो यहाँ पे भी जितने भी मिसोमेरिक होते हैं तो उसको हम रेजोनेंस बोल सकते हैं, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट कॉल्ड मिसोमेरिक। अब बोलोगे सर कहाँ कहाँ हमको लेके जा रहे हो, हमको टेंशन बढ़ा रहे हो, बहुत जरूरी है कंसेप्ट समझना हमारे को, जो भी MCQs क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं ये शॉर्टकट आइडिया बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ में, कहाँ है महाराष्ट्र, इंडिया में ना, महाराष्ट्र बोले तो इंडिया में, ये देखो इन व्हाट इंडिया, तो एम बोले तो क्या है मेसोमेरिक, एच बोले तो हाइपर कॉन्जुगेस, आई बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट। अब मान लो इसमें अगर एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर, दिस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज डिसाइडेड, बोले तो वन एंड ओनली वन, दो चीजों से डिसाइड कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन रहेगा कि दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा दोनों आंसर है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है। अब तुम्हारे सामने दुविधा खड़ा हो गया कि भाई हाइपर को चूज करे कि इंडक्टिव को चूज करे, तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा और तुम्हारा आंसर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया, मैंने इसलिए जानबूझ के बताया क्योंकि आगे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ये चीजें सिखाऊंगा, तो ये स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा पहले फेवर करेगा, मिसोमेरिक रेजोनेंस इसमें ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये एलिफेटिक कंपाउंड, अगर रेजोनेंस आया तो और भी आगे बढ़ेगा, तो खैर डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो बात ये है कि यहाँ पे
मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और भी बोला कि ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक, सॉरी ऑल रेजोनेंस, तो ऑल मेसोमेरिक कंपाउंड्स आर रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस कंपाउंड्स आर नॉट व्हाट मेसोमेरिक कंपाउंड, ये भी याद आता है। तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बोकटायन में, हर एक कार्बोकटायन की बात कर रहा हूँ, ये भी कार्बोकटायन है, तो हर एक की डिमांड दो दो की इलेक्ट्रॉन है। अब इनको स्टेबल करने के लिए इनका भाई जो है, राइट कल वाली स्टोरी याद है ना, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का काम कर रहा है मिथाइल मिथाइल। मैं इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। कभी कहीं सुनोगे तो फिर तुम बोलोगे कि सर ने हमको नहीं बताया, हमको तो खाली एक ही इफेक्ट बताया, इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्टेबिलिटी होता है। एडवांस में बता के रख रहा हूँ कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो फिलहाल के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट को लेके चल रहा हूँ मैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, किसको, डेफिशिएंट कार्बन को। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, इसमें 300 रुपीज आ जाएगा, इसमें 200, इसमें 100, इसमें 0, तो इसमें भी वही सेम फ्री रेडिकल जैसा ही स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो 3 डिग्रीज ग्रेटर देन, 2 डिग्रीज ग्रेटर देन, 1 डिग्रीज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकटायन। बच्चा यहाँ तक का कहानी क्लियर हुआ सभी को, कार्बोकटायन यस और नो, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सभी को समझ में आया, समझा होगा तो प्लीज यस कर दो। बच्चा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेरे से, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन, 2 डिग्रीज ग्रेटर देन, 1 डिग्री। आगे चल सकता हूँ मैं, ओके चलो मैं कार्बेनियन के ऊपर लेके आ रहा हूँ, कार्बेनियन राइट, ओके। तो अब देखो कार्बेनियन यही स्ट्रक्चर को पीछे वाले को मैं यूज करूंगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा बड़ा करके बार बार लिखना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये फ्री रेडिकल को माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस, स्मार्ट वर्क तुम भी सीखो साथ साथ, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ये कार्बेनियन हो गया, ये टर्ट ब्यूटाइल, अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये फ्री रेडिकल नहीं, कार्बो कटायन नहीं है, कार्बेनियन अनायन है, अनायन कार्बेनियन, नेमिंग वही रहेगा, टर्ट ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल। और इस बार यहाँ पे अब देखो, अब बात, अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज एक कार्बन लेके बैठा है, अब मुझे बताओ ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से इस बार सराउंडेड है। वेरी गुड नवीश, वेरी गुड आयुष, इस बार ये 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, अब माइनस आ गया, यस स्नेल वेरी गुड बच्चा, लो वेरी गुड अंजलि, सही जा रहे, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड। अब ये माइनस है तो ये बात ये मत मान लेना कि माइनस हमेशा रिच होता है और वो बहुत स्टेबल हो जाता है, चार्ज्ड स्पीसीज बोले तो अनस्टेबल चार्ज्ड, भले वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, बच्चा हमेशा याद रखना संतोष सर की बात, जहां पे चार्ज आ गया, चार्ज बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज स्पीसीज बोले तो हमेशा अनस्टेबल, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है न्यूट्रल स्पीसीज, ये हमेशा याद रखना, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे, बट जहां पे माइनस या पॉजिटिव आ गया तो वो समझ लेना अनस्टेबल। मान लो ये कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कहानी थोड़ा अलग बदलूंगा, ये कार्बन, कार्बन के पास इतना जगह है राइट, अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का साइज और भी छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन का साइज और भी छोटा हो जाएगा, तो मतलब देखो मैं एग्जाम्पल मुंबई वाला ही लूंगा, मान लो ये कार्बन में 6 लोग हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लोग रहते हैं, अब ये पूरी तरह से फुलफिल है, ठीक है, अब इसमें जगह नहीं है भाई, मुंबई जैसे सिटी में पता है ना जगह की काफी कमी होती है लोगों को, अगर मुंबई जैसे, अब भाई जो बहुत रिच है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास तो भाई 1+1 बोले तो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जो मतलब मुंबई में मैं बता रहा हूँ काफी छोटे छोटे घर होते हैं, बट वही मुंबई छोड़ के आगे जाओ गुजरात, एमपी, यूपी राइट, बड़े बड़े एकदम बंगलो टाइप घर रहते हैं लोगों के, भाई कोई भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल भी बड़ा घर भी बड़ा, रहो आराम से, बट मुंबई जैसे सिटी में अगर कोई आ गया तो फिर प्रॉब्लम होता है यार, क्यों मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी घर छोटा है, फैमिली भी छोटा है, उसमें उनको मैनेज करना, और उसमें कोई रिलेटिव आ गया राइट, तो न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन, ओके तो वहां पे क्या हो गया, आर आर बोले तो यहाँ पे आर रिलेटिव, ठीक है ना, आर बोले तो रिलेटिव, अब इसमें ये कार्बन
क्या आ गया, ये कार्बन की फैमिली में ये आर ग्रुप आ गया, इसका आर से बोले तो रिलेटिव। अब इसके पास जगह नहीं है कार्बन के पास, ये खुद ही बेचारे प्रॉब्लम में रह रहे हैं, राइट। अब इसमें अगर ये आके इनको आएगा तो इनको डिस्टर्ब कर देगा, इनको अनस्टेबल कर देगा, जगह ही नहीं है ना। अगर और भी बड़ा साइज होता, जगह रहता तो वो जगह दे देता, भाई आ जा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हो। अब जितने उसके पास जगह थे उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, अब उसके इलेक्ट्रॉन थे और ऊपर से माइनस चार्ज लेके बैठा है ये कार्बन माइनस चार्ज लेके बैठा है, भाई दिख रहा है भाई बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब मान लो इसके पास और भी, मतलब अब और भी इसके रिलेटिव आने लगे, ठीक है, जगह ऑलरेडी फुलफिल है, और भी उसके रिलेटिव आ रहे हैं, तो बेचारा वो कहाँ से उनको जगह देगा रहने के लिए, राइट। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और ये जो आर बोले तो मिथाइल है ना, CH3, आर बोले तो अल्काइल ग्रुप, बराबर, आर अल्काइल ग्रुप, और आर बोले तो पॉजिटिव आई का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो डोनेटिंग भाई वो आर है ना, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आर से अल्काइल भी बनाया, आर से रिलेटिव भी बना दिया, ये भाई भाई है, राइट। इनका काम तो यही है, भले अमीर हो चाहे गरीब, ये इनको देने वाला ही है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अब कोई प्रॉब्लम में मतलब ऑलरेडी है, राइट। अब ये कार्बन से एक तो वैसे ही इतना सारा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उससे संभल नहीं रहा है, और ऊपर से और भी उसके भाई लोग है ना, और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, और भी एक्सेस हो गया जगह, तो अब क्या होगा बताओ मुझे, राइट। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ के बोले तो रिपल्शन होने लगेगा, कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब बात यह है कि इसका काम तो भाई, इसका जन्म सिद्ध अधिकार तो यही है, मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन दे के ही रहेगा, भले कार्बन को लेना है या नहीं लेना वो बात अलग है, पर यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी बेचारा फुलफिल है, अब ये लेके इलेक्ट्रॉन रखे कहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, अनस्टेबल हो। इसमें 300 रुपीज आया, इसमें 200 आया, इसमें 100 आया, इसमें एक भी नहीं आया। अब बताओ कौन सा वाला कार्बन इस टाइम में सुखी है, जो प्रॉब्लम में नहीं है, कौन सा वाला कार्बन। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 1, 2, 3, अब नंबर के साथ बताओ 4, 4, अरे वाह तुम लोग पहले से 4 पे, वाह वेरी गुड, स्मार्ट बच्चा लोग, 4, राइट। इस बार सुखी कौन है, मिथाइल कार्बोनेट, इस बार ये ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि भाई इसको कोई देने वाला नहीं, जितना है उतने में हैप्पी है, और यहाँ पे भाई इसको तो भाई ये हैप्पी तो था ही, ठीक है ना, ओके, ये हैप्पी तो है इलेक्ट्रॉन लेके, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संभाल ही नहीं पाएगा, जितना जगह है उतना ही ले सकता है, बराबर, उससे ज्यादा एक्सेस करने जाएगा तो वो भाई भारी पड़ जाएगा उसको। तो इस बार इसमें जो ऑर्डर है ना बच्चा, इसमें ऑर्डर अगर देखा जाए तो उल्टा, दिस 1 डिग्री मिथाइल कार्बेनियन इज ग्रेटर देन इथाइल कार्बेनियन, इज ग्रेटर देन आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, इज ग्रेटर देन टर्ड ब्यूटाइल कार्बेनियन, क्लियर है, कहानी उल्टा है। कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और कार्बेनियन में हमेशा याद रखना 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। डन, सभी को समझा, आगे चलूं मैं, तुम पढ़ना चाहोगे जरा ये भी, कल तुमने ये पेज रीड किया था बराबर ना, आज जरा ये पेज भी रीड कर लो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक चलो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं 3 मिनट रुकूंगा। कशिश क्या मैं समझा नहीं, यूज पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो, यूजेस कशिश, इसका यूजेस, मानसी मैंने बोला ना इसका यूजेस ज्यादा करके रिएक्शन, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, फिर भी तुमने जो पूछा जो मतलब पता नहीं, इसका यूज जो है ना एंट्रेंस के क्वेश्चंस में काफी यूज होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारे को इसका यूज से पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, कौन सा हेट्रोलिटिक, फिर वहां पे इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है तो वो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है कि कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है कि अनायन जनरेट कर रहा है, फिर उसमें फिर उसके साथ साथ फिर उसका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, MCQs क्वेश्चन, ये जो कार्बेनियन का भी sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, दोनों कहानी याद रखना। तो मेरे ख्याल से रीड कर लिए, 2 मिनट रुका हूं मैं, रुका हूं, रीड कर लो, रीड कर लो।
देखो यहाँ पे ये तुम ना जरा होमवर्क करना ही है जरा, देखो मजा आएगा तुम्हारे को। कुछ कुछ एक दो एग्जांपल आएंगे, कुछ एक दो नहीं आएंगे, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेक्सबुक में भी देख लेना, पेज नंबर 222 है, ठीक है। और मैं आगे चल रहा हूँ। कटआउट है बच्चा इसमें, कटआउट है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके चलो, ओके एक बार चलो, गुड। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो मुझे बताओ, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आंसर देना। तुम देखो पढ़ाई अभी करते हो नहीं करते हो, तुमको पढ़ाई करने के लिए इन्फ्लुएंस कौन करता है, बता सकते हो मुझे? कोई ना कोई तो होंगे लोग। मम्मी, वेरी गुड, वेरी गुड। पापा, वाह ग्रेट। मम्मी एंड पापा, और बोलो, मॉम एंड डैड। अच्छा ठीक है भाई, मम्मी और पापा ही बोलते हैं और बाकी लोग कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। फैमिली, ओके फैमिली, फैमिली में सब आ गए, सिस्टर ब्रदर जो भी है। और भाई और बताओ। अच्छा ठीक है, चाचा अंकल, ठीक है आंटी जो भी है भाई। यस आचल, टीचर, रिलेटिव, वृद्धि, यस वेरी गुड। ये हुई ना बात, देखो अभी आचल और यस, तो धीरे धीरे मम्मी पापा से आगे आगे है ना, सिस्टर, फिर अंकल आंटी ब्रदर, फिर टीचर है ना, रिलेटिव, यस वेरी गुड, सही बात, होल वर्ल्ड। अच्छा और भी अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी सोच नवीस, गुड। तो मतलब ऐसे ही जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, और वो जो इन्फ्लुएंस मतलब करता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट, वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे ही रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे ही रिएक्शन नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन व्हाट ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हाउ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेटेड इन व्हाट न्यूट्रल सब्सटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव सब्सट्रेट एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ व्हाट पॉजिटिव सब्सट्रेट। इट मींस व्हाट डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होगा। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे मैंने दिखाया है, इलेक्ट्रॉन भले वो दे रहा है मिथाइल ग्रुप कार्बोकटायन को, फ्री रेडिकल को, अनायन को, बट बॉन्ड ब्रेक नहीं करके दिखाया मैंने, बॉन्ड ब्रेक नहीं होके लाया, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन है ना जा रहे हैं उसकी तरफ थोड़े थोड़े, पार्शियल, पार्शियली, देखो पार्शियल नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली बोलूंगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा भाई, पार्शियली थोड़ा सा मन उनका उधर जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सेलिब्रिटी है, जो स्मार्ट लुक है, जो हीरो है, हीरोइन है, राइट, वो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी वैसा मूव हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, या तो शिफ्टिंग, कोई भी एक वर्ड चुन सकते हो जो अच्छा लगेगा, शिफ्टिंग, मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली नॉट कंप्लीटली, पार्शियली थोड़ा सा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, पता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ घुस मतलब अट्रैक्ट होने लगेंगे, राइट, बढ़ जाएंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्यों भाई, नेगेटिव वाला तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वही पोलराइजेशन, इसलिए वो पोलार हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव। तो ये इफेक्ट कभी कभी परमानेंटली भी होता है, कभी कभी टेम्पररी भी होता है, और इसमें जो इन्फ्लुएंस वाला जो काम, जो केमिकल रिएक्शन को राइट मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें जो होता है रिएजेंट का मेन रोल होता है, रिएजेंट, रिएजेंट का मेन रोल होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल, तभी तो वो बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, तभी तो वो नया चीज फॉर्म होगा, कुछ अलग बन के मिलेगा। और उसके साथ साथ तुम देखोगे, दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन एटम और सब्स्टिट्यूएंट और सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट इन द व्हाट मॉलिक्यूल
इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आर टू एग्जांपल ऑफ व्हाट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये मम्मी डैडी वाला, रिलेटिव वाला, सिस्टर वाला, टीचर वाला, ये इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, स्टोरी है सब में, अच्छी अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, अच्छे से ये चीज समझ लो। अब देखो तुम्हारे को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता चल गया, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक पता चल गया, इसके बाद है ना इंडक्टिव इफेक्ट समझ लो, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, फिर देख लेना ये जीओसी का पार्ट हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर का नाम बेसिक प्रिंसिपल, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंट्रेंस बेसिस पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, मजा आएगा तुम्हारे को। देखो तुमने पहले भी ये गेम खेला है, देखो ये गेम खेला है, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो ये गेम ऐसा है, टग ऑफ वॉर वाला गेम, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट, ये सिंगल बॉन्ड है कोवेलेंट, इसको बोलेंगे हम सिग्मा सिग्मा, राइट। अभी हमने एक वर्ड वहां पे देखा था प्राइजेस प्राइजेस, यस और नो, मतलब अब पोलराइजेशन। अब देखो जो बहुत पावरफुल होता है जैसे टग ऑफ वॉर वाले गेम में, जो बहुत पावरफुल होगा तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा दिया है, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार। देखो एक बच्चा, एक और भी बात बता रहा हूँ, संगत, अगर तुम अच्छे बच्चों के साथ रहोगे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, तो तुम पढ़ाई करोगे, अच्छे बनोगे। तुम अगर घूमने फिरने वाले, देखो मैं बुरा तो नहीं बोलूंगा, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, कोई भी लोग बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, मैं कभी ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा किसी के लिए कि बुरे भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी सोच। ऐसी आ रही होगी, सर क्या सर खींच रहे हो हमारी, हाँ तो बात ये है कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली समझा करो, इशारा काफी है। तो बात ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मैंने बोला कि संगत, राइट, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी चीजें सीखो, राइट। अगर तुम वहीं पे अगर खेलने वाले, घूमने वाले, मस्ती करने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो तुम भी खेलोगे, घूमोगे और मस्ती करोगे, यस। ओके, ओह वाओ, क्या बात है नवीश, बहुत जोरदार दम, हाँ दमदार पॉइंट है भाई, मिरर, हाँ मिरर, वाओ क्या बात है। ओके बट चलो, बट फिर भी एक ग्रुप होता है ना, एक सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल, अपने आप को देख देख के तो थक जाएंगे यार, कितना देखेंगे, बराबर ना, एक फ्रेंड सर्कल भी तो होता है, राइट। अब उस मान लो चार फ्रेंड में अगर एक फ्रेंड, तीन फ्रेंड बहुत पढ़ने वाले हैं, स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो चौथा फ्रेंड है ना वो उतना पढ़ाई में मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक है, बट मुझे ये बताओ वो चारों के साथ वो जो वीक बच्चा है देखते देखते उनको क्या करेगा, उनको अपने जैसा बनाएगा कि वो खुद उनके जैसा बनना चाहेगा, चेंज इंड्यूस्ड, कन्वर्ट करेगा अपने आप को, अपने अंदर लेवल को इंक्रीज करेगा, अपने आप को खुद को वो चेंज करने की कोशिश करेगा कि ये मेरे चार मेरे तीन फ्रेंड है, ये तीनों के तीनों स्कॉलर है और मैं थोड़ा सा वीक पढ़ रहा हूँ इनके सामने, फिर भी मैं इनके साथ तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ये जैसा करते हैं वैसा मैं भी करूंगा, सीखेगा उनके साथ, सीखने की कोशिश करेगा और वो करेगा, बच्चा भले 100% नहीं लेकिन 90% 80% जरूर जाएगा। तो बात यहाँ पे ऐसा ही है, कुछ पोलराइजेशन मतलब अच्छी संगत, समझ लो ये सीएल है ना, नेगेटिव है, इसके पास सभी लोग आना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है, और अच्छा काय का अच्छा, सबका इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है, काय का अच्छा, राइट। ओके तो दिस सिंगल बोले तो ये सिंगल में कार्बन कार्बन में कार्बन सीएल में, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल,
जैसे सिग्मा बॉन्ड। अब देखो पोलराइजेशन यहाँ पे ना क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन है ना पार्शियली हाँ नॉट कम्प्लीट, ये कहीं पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन में लगा सकता हूँ CH3 CH2 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 Cl, समझ लो ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये CH3 CH2 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 Cl। बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं किसकी तरफ, सीएल की तरफ, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। नेगेटिव में पावर है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। कैसे पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल ही बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल का क्या होता है 3.0 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और कार्बन की नेगेटिविटी 2.5 है, तो सीएल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है, व्हेन एंड व्हाट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, पोलारिटी इज व्हाट इंड्यूस्ड इन व्हाट एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इंड्यूस्ड मतलब पोलारिटी बढ़ेगा बाजू बाजू में भी, मतलब मैंने क्या बताया ये सी और सीएल में तो पोलार है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बट ये धीरे धीरे ये पॉजिटिव वाले है ना कार्बन, इनके बीच में भी पोलारिटी क्या होगी, इंड्यूस होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। ये संगत का असर हुआ भाई, ये सीएल के साथ ये सी है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम भी इसके जैसे पोलारिटी बना रहा है ये कार्बन इस सीएल के साथ, तो हम भी बनाना चाहेंगे, हम भी बनाना चाहेंगे, हम भी बनाना चाहेंगे, ये इसका मीनिंग है। अब मैं दूसरे फॉर्म में एक डेफिनेशन बताता हूँ, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द एडजेसेंट ऑफ बॉन्ड इज रिफर टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। वापस से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे तो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारी मर्जी, व्हेन एंड व्हाट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है पोलारिटी इज इंड्यूस्ड इन एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये भी लिखोगे तो ज्यादा बेटर हो, नया बुक है, नया नया चीज, बात एक ही है, मीनिंग एक ही है। और एक मैंने बताया कि पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रिफर्ड टू द एज वॉट इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब क्या हो रहा है कि पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब बात ये और भी प्यारा बन गया इस बार, ये डिफरेंस इंड्यूस कर रहा है पोलारिटी को, में भी पोलारिटी को क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है, और ये सीएल यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाएंगे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे होगा सीएल के पास, फिर उसके बाद इसका नंबर आता है इस कार्बन का, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और भी कम हो जाएगा, यहाँ पे और भी कम, यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मामले में रीच कौन होगा, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इनके पास कम 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 होते जाएगा। अब देखो बात ये है टग ऑफ वॉर वाला जो गेम है, अब देखो मान लो ये पावरफुल इंसान है, ये एक को खींच लिया अपनी तरफ, ये दो कार्बन को खींच लिया, ये तीन कार्बन को खींच लिया, यहां तक कि मान लो ये चार कार्बन को भी खींच लिया, ठीक है ना, ये भाई खींचते जा रहा है, राइट, इतना पावरफुल इंसान है। अब पांचवा कार्बन रख दिया, छठवा कार्बन रख दिया, तो अब इसकी दाल गलने वाली नहीं, अब ये नहीं खींच पाएगा। बता देता हूँ प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली कि ये इफेक्ट जो है ना सीएल जो पुल करता है इलेक्ट्रॉन वो 1 और 2 कार्बन तक, 2 तक प्रैक्टिकली, राइट, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है पुल कर सकता है। थेरेटिकली जो है ना ये, चलो थेरेटिकली ध्यान में रखना, ये 3 से 4 कार्बन तक पुल करेगा और उसके बाद 3 के बाद 4 के बाद धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा, राइट, ये इफेक्ट हो जाएगा, पुल करने का जो पावर है ना ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, और देखो एक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना क्लोज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, राइट, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, सीधी बात है, समझने वाली बात है,
मैंने क्या बोला, ये बोले तो प्रैक्टिकली जो इफेक्ट है ना डिसअपियर हो जाएगा, बोले तो आफ्टर सेकेंड थर्ड कार्बन, ऐसा बोला है। ये देखा जाए तो एक या दो कार्बन तक के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, आगे चल के ये आफ्टर व्हाट 3 कार्बन के बाद है ना ये डिसअपियर हो जाता है, ये इफेक्ट नहीं काम करता है। जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा राइट, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखना। ओके क्लियर है बच्चा, सभी को समझ में आया, यस और नो, हाँ कि ना? तो जैसे जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन बढ़ने लगेंगे, तो इतना पावरफुल नहीं है कि वो टग ऑफ वॉर वो पावरफुल इंसान है और हर बार वो उसकी दिवाली आए और हर बार वो जीत जाए और हर बार वो हरा दे लोगों को, ठीक है? तो आफ्टर 4 कार्बन के बाद ये बोला गया है कि ये इफेक्ट गायब हो जाता है राइट, नहीं खींच सकता है, बट प्रैक्टिकली देखा गया कि वो 1 या 2 कार्बन तक ही खींचता है, उसके आगे नहीं खींच पाता है, बट थेरेटिकली 4 के बाद, ठीक है? तो खैर ये सब नहीं, तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन और यहाँ पे ये एग्जाम्पल, और इसमें मेन पॉइंट जो है परमानेंट इफेक्ट, ये दूसरा पॉइंट, परमानेंट क्या लिखोगे, परमानेंट इफेक्ट लिख भी रहे होगे मेरे ख्याल से पॉइंट, मुझे पता है जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो जरूर लिख रहे होंगे, इसमें परमानेंट इफेक्ट होता है राइट। और दूसरा पॉइंट लिखना चाहोगे तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिएजेंट, ये इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो लिख सकते हो इट इज व्हाट परमानेंट इफेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिएजेंट। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लिव द ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट कार्बन की जो ऑक्टेट फॉर्म है ना हर जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना वो फॉर्म रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लिव द ऑक्टेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, पार्शियली डिस्प्लेस हो रहा है, तुम लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, पार्शियली शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लिव द ऑक्टेट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिएजेंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। एंड बोले तो ये जो इफेक्ट है ना, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, यस और नो, सभी ने लिख लिया होगा, डालोगे इंडक्टिव इफेक्ट में, ये एग्जांपल डालोगे जो मैंने ड्रॉ किया है, मैंने फिर वहाँ पे मूवमेंट शिफ्टिंग पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर इसमें दिस इज व्हाट परमानेंट इफेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिएजेंट, इट इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव द ऑक्टेट, एंड दिस इफेक्ट डिसअपियर्स आफ्टर द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, सेकेंड के बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है, हर बुक में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगे तुम्हारे को, ठीक है ना? बट 3-4 के बाद ये काम नहीं करता है, कहीं कहीं पे दिखाएगा भी, ठीक है? तो बस खाली इतना नॉलेज में रखना, तो ये जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो फिर ये नहीं इफेक्ट, मतलब ये खींच पुल नहीं कर सकता है। और इंडक्टिव इफेक्ट का जो सिंबल है एक ऐसा एरो रहेगा, मतलब लाइन रहेगा बॉन्ड, और इसके बीच में ऐसा और ऐसा भी लाइक दिस, मतलब ये एरो ऐसा सेंटर में आएगा, मतलब ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ खींच
खींच के लेके जा रहा है, पुल कर रहा है, और ये वाला इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ, राइट वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एरो ऐसा बीच में, और ऐसा ये एरो रहेगा लाइन में, ठीक है ना। ये हो गया साइन सिंबल। अब चलो, अब अगला कहानी बताने जा रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप होता है। इंडक्टिव बोलो यार, क्या बाबा कितना सारा चीजें है भाई, है बहुत जरूरी भी है, इसमें तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, इसमें तुम्हारे बुक में बहुत कम दिया है वैल्यूज प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। इसके प्रायोरिटी ऑर्डर के भी जो है वो एंट्रेंस में काम आएंगे, तो उसके हिसाब से मैं लिख के दूंगा नोट्स में तुम्हारे को, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा तुम करो ये बोर्ड वाइज, ठीक है, बट मैं एंट्रेंस के बेसिस पे मैं लिख के दूंगा, ताकि मेरे को एंट्रेंस के जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तुम्हारे को तो ज़्यादा बेटर होगा, और तुम्हारे को भी मजा आए और फटाफट आंसर्स भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और बोले तो टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बोल सकता हूँ। फर्स्ट है पॉजिटिव आई, लो आ गया वो आ गया, एंड व्हाट सेकंड बोले तो नेगेटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई तो मैं बार बार बोल रहा था वो आर है, आर रिलेटिव याद रखना, अल्काइल, आर बोले तो रिलेटिव, आर बोले तो अल्काइल, यस और नो। तो अल्काइल बोले तो यहाँ पे मिथाइल है, बोले तो यहाँ पे इथाइल है, बोले तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, बोले तो यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है भाई, इसका जन्म सिद्ध अधिकार, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को, भले वो सामने वाला ले या ना ले, अपना काम पूरा करके ही रहेगा, ये अपना पूरा काम करके ही रहेगा। तो अब दो टाइप होता है, एक नेगेटिव आई और एक पॉजिटिव आई, और जो नेगेटिव आई होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, विड्रॉ तो अट्रैक्ट भी करेगा, पुल करेगा या विड्रॉ करेगा, बात एक ही है। बोलो डोनेट कर रहा है, रिपल कर रहा है, राइट है ना, पुश कर रहा है, यस और नो, क्लियर है। तो ये सब चीजें ले सकते हो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, अब तुम एक्साइटेड हो पता है तुम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जानने के, वो कौन है वो। तो जो पॉजिटिव आई होता है मिथाइल आता है, इथाइल आता है, आइसोप्रोपाइल आता है, टर्ड ब्यूटाइल आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जैसे कि मान लो ले लेता हूँ पोटेशियम, ले लेता हूँ मैग्नेशियम, ले लेता हूँ, तो सोडियम मैग्नेशियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देता है। देखो यहाँ पे मैं अल्कली ग्रुप को यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिक्सिंग कर रहा हूँ भाई, सोडियम भी तो इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है, अल्कली ग्रुप वन एंड अल्कली टू, अल्कालाइन अर्थ मेटल टू, ग्रुप नंबर टू, ये भी तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो आर हो गया, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, राइट, ये सब भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चल तो अब मैं तुम्हारे को पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज नेगेटिव आई इफेक्ट। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ध्यान से सुनो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लिख भी रहे हो तो लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट आर व्हाट टू टाइप्स, फर्स्ट नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ओ आर कैरी चार्ज, और कैरी पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और कैरी पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एंड सच ग्रुप आर
and such groups are said to have negative I effect. Negative I effect. And such groups are said to have negative I effect. अगर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस खाली इतना याद रखो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट. एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि फ्लोरिन होता है, इसमें जो विड्रॉइंग वाले में ये ऑर्डर में दूंगा बाद में, फ्लोरिन होता है, क्लोरिन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है. अगर मैं वो सब अभी लाऊं, अगर इसमें कोई बच्चे खाली बोर्ड्स वाले हैं जो एंट्रेंस वाले नहीं है तो बेमतलब का वो डरेंगे, और जो एंट्रेंस वाले हैं तो उनको डरना मना है, ये बात याद रख लेना. तो यहाँ पे NO2 है, साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOOH, राइट, सल्फोनिक एसिड है SO3H, बहुत सारे ग्रुप आते हैं और इनके भी ऑर्डर चलते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर. तो ये सब ग्रुप है ना, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड भी आ जाता है, राइट, CN ग्रुप मैंने डाला है. तो ये सब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होता है, ये बहुत पावरफुल ग्रुप है. देखो ये मैंने एग्जाम्पल डाला, ये तो अभी बहुत थोड़े से हैं, एंट्रेंस में बहुत सारे और भी ऐड होंगे और वो भी लाइन वाइज चलेंगे, ऑर्डर वाइज चलेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर वाइज. इसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर है ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईजी रहे, वो याद हो जाएगा, डोंट वरी, वो याद कराने का काम मेरा है, ठीक है ना. तो बात ये है कि ये सब ये जो रहेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ चलो, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए. तुम बोलोगे क्या सर, सेम टू सेम चीजें ड्रॉ करते जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो. हाँ मैं सच में सेम टू सेम चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, तुम्हारे को एग्जांपल दिखाना है ना. अब तो बोर्ड मेरे सामने है ही नहीं, अब प्रॉब्लम तो समझ सकते हो टीचर का, ये मोबाइल में पढ़ाना भी कितना बड़ा चैलेंज, राइट. ओके तो बट मजा आ रहा होगा, मुझे भी पता है, राइट. थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, इससे सब छोटे हैं. ओके ये देखो, सेम कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया, CH2CH2COH, ये नंबर वन, ये ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, और लास्ट वाले को डी कर देता हूँ, मतलब 1 2 3 4 समझो, या ABCD. अब देखो बात ये है कि यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH, चारों में कॉमन है COH COH. अब ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है बता सकते हो मुझे, एसिड क्या करता है बच्चा लोग, एसिड क्या करता है, एसिड क्या देगा. ओह माय गॉड, टॉक्सिसिटी. अच्छा ठीक है ना, विल ठीक है, वो टॉक्सिसिटी अच्छी बात है, बट एसिड का काम होता है H प्लस को रिलीज करना, प्रोटॉन बोलते हैं उसको, H प्लस, H इसमें से निकल गया तो ये H प्लस बन के जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा. पता है क्यों छोड़ के जाएगा, ये H अगर बाहर निकाला तो ये ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्यों पता है, दिखाया हूँ मैंने, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1. तो जब भी यहाँ से मान लो अगर ये H निकाल दिया मैंने, यहाँ से भी H निकाल दिया, यहाँ से भी H निकाल दिया, यहाँ से भी H निकाल दिया, तो पता है बच्चा लोग क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके गया,
अब यहाँ पे एसिड का काम यही होता है, राइट। हम देखो इसमें से एच प्लस निकल गया, अभी तक देखो मैंने इसको है ना यहाँ पे एच प्लस रखा था, बच्चा को यहाँ पे ऐसा ही रखा था, और मुझे बताओ मैंने ये एच ऐसा रखा था तो ये कंपाउंड स्टेबल था कि नहीं था, ये स्टेबल था कि नहीं था पहले वो बताओ, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही इसके ऊपर ये चार्ज आ गया, ये एच हट गया और इसके ऊपर ये चार्ज आ गया माइनस, ये बेचारा अनस्टेबल हो गया। बोला था ना लिख लो कहीं पे पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट बताया हूं मैंने, लिख लो चार्ज स्पीसी, चार्ज स्पीसी बोले तो अनस्टेबल, एंड न्यूट्रल स्पीसी बोले तो मोर स्टेबल। क्लियर है? चार्ज स्पीसी। अबे देखो COH का काम क्या है भाई, एसिड का काम क्या है, एच प्लस देना, तो एच निकल गया, प्रोटॉन बन गए, एच प्लस को बोला जाता है प्रोटॉन, और वो एच जब निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को देके गया, क्यों गया देके भाई, उसको देना ही पड़ता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिया। अब इस तरह से मैंने हर जगह पे ये स्टोरी दिखाया, ये भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सबके सब अब अनस्टेबल हो गए। ओ माय गॉड, सबके सब अब चार्ज लेके प्रॉब्लम में आ गए, ये CO जो ऑक्सीजन एटम है या ये इलेक्ट्रॉन लेके अभी बहुत हैप्पी नहीं है, अब ये प्रॉब्लम में आ गया, पहले एच था तो प्रॉब्लम में नहीं था, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल था, बट जैसे ही चार्ज आ गया अब ये प्रॉब्लम में आ गया। बच्चा लोग पहले ये बताओ मुझे, यहाँ तक का कंसेप्ट सभी को समझा कि नहीं समझा, पहले वो बता दो जल्दी से, पहले ये बता दो मुझे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। ओके जल्दी जल्दी यस आने दो, जल्दी जल्दी, ओके गुड, ओके ध्यान दो, अब ये चार्ज आ गया तो ये प्रॉब्लम में आ गया, अब मैंने बताया था ना फैमिली, अब यहाँ पे जो रिलेटिव है एक आर था, वो आर बोले तो मिथाइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और एक आज मैं बताने जा रहा हूँ नेगेटिव आई इफेक्ट, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, राइट। ओके तो अब ये समझ लो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब बताओ मैं तुम्हारे को इलेक्ट्रोफाइल नहीं बताता, न्यूक्लियोफाइल नहीं बताता, अनायन कटायन नहीं बताता, चार्ज वहां पे नहीं बताता, तो तुम्हारे को ये सब कंसेप्ट मैं डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता तो समझ में नहीं आता। पहली बात तो यहाँ पे बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो हेटरोलिटिक हुआ, एच गया, एच ओ ने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, हेटरोलिटिक वाइज हुआ, इसलिए ऑक्सीजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो कहानी जुड़ गई यहाँ पे, फिर ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके अनस्टेबल हो गया, अनायन बन गया, नेगेटिव जरूरी नहीं कि हर बार कार्बन पे ही आए, वो पे भाई कोई भी एटम पे अनायन बन गया, अब ये अनस्टेबल हो गया, भले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या हुआ, प्रॉब्लम में आ गया, ये ऑक्सीजन भी प्रॉब्लम में, ये ऑक्सीजन भी, ये भी, ये भी, सब। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था नेगेटिव आई वाले जो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, वो है फ्लोरिन, वो है क्लोरिन, वो है ब्रोमिन, वो है आयोडीन, वो है नाइट्रो, वो है कार्बोक्सिलिक, वो है सल्फोनिक एसिड, वो है साइनाइड ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। अब मान लो इसकी फैमिली में ये कार्बन के बाद ये फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो मान लो एक फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, तो मैंने देखो वो स्टोरी बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन देने का काम किए, तो उसकी गरीबी कम की है फ्री रेडिकल का, कार्बोकटायन का, बट अनायन में क्या हुआ, उल्टा वो देने का ही काम कर रहे थे मिथाइल, और भी प्रॉब्लम बढ़ा दी है उसके लिए, इसलिए बेचारा अनस्टेबल हो गया था, 3 डिग्री कार्बोकटायन, सॉरी 3 डिग्री कार्बेनियन नेगेटिव वाला, बट इस बार कहानी में ट्विस्टिंग है, इस बार इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इसका दर्द बांटने वाला है ये फ्लोरीन, ये इसके दर्द को बांटेगा, मतलब भाई चार लोग हैं अगर कि अगर शेयरिंग कर लेंगे भाई, अगर देखो कभी कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तुम्हारे को मैं बता देता हूँ, तो हम बहुत काफी अपसेट रहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर, हम प्रॉब्लम में रहते हैं तो हम डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ या फ्रेंड के साथ, तो थोड़ा भार कम हो जाता है, बराबर, अगर वही चीज डिस्कस ना करो तो वो भार बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, और वही जब दो तीन लोगों से डिस्कस कर ले तो वो प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन सामने आ जाता है, क्योंकि फैमिली में वो मेंबर हमारे को कुछ ना कुछ है ना, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन अच्छा दे देते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा,
तो हमारा को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। करते होगे, मुझे पता है, मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। मुझे भी कभी मैं टेंशन में आ जाता हूँ, प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, तो मैं पिताजी से बात करता हूँ। ये बात याद रख लेना। तो डिस्कस करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है। सही बात है कि अब ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, ये क्लोरीन भी खींचेगा, ये ब्रोमीन भी खींचेगा और आयोडीन भी खींचेगा। इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन कम करेगा तुम सोचो। 2 मिनट में रुकूंगा, जल्दी से मुझे बाद में आंसर दोगे, 2 मिनट सोचो। अच्छा लो, कुछ सोचे कि नहीं सोचे वो बताओ मुझे। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्लोरीन के कंपेयर में, ब्रोमीन के कंपेयर में, आयोडीन के कंपेयर। अब इनमें प्रॉब्लम में तो सब फैमिली है, सब ऑक्सीजन प्रॉब्लम में है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करेगा, कम कर देगा, कौन सी वाली फैमिली का? ए फैमिली की, बी की, सी की, डी। और जितना इलेक्ट्रॉन उसका पुल कर लेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? ए करेगा। वेरी गुड, फ्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी करेगा, ब्रोमीन भी करेगा, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो वो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बांट लेगा, राइट। ये इतना इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, ये और भी कम लेगा, और ये और भी कम लेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये कम ले, मतलब कर देगा इसमें से, ऑक्सीजन में से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये फ्लोरीन वाला, मोर स्टेबल। जितना उसके इलेक्ट्रॉन उसके दर्द को कम करेंगे, उसके प्रॉब्लम को कम करेंगे, वो उतना हैप्पी होगा। तो उसके दर्द को, उसके प्रॉब्लम को कम करने वाला सबसे पावरफुल है कौन? फ्लोरीन है। तो ये ज्यादा से ज्यादा उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, कम कर देगा। और उसी तरह से क्लोरीन भी करेगा, बट उतना नहीं जितना फ्लोरीन कर रहा है। बट फ्लोरीन क्यों ज्यादा कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बच्चा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इसी में एक ऑर्डर वाइज भी जाएंगे, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप भी आएगा। नाइट्रो तो वो समझ लो पप्पा है, पप्पा NO2। फ्लोरीन और नाइट्रो में अगर कंपेयर कर दूं, ये Cl के जगह पे नाइट्रो डाल दूं, और मैं बोलूं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, तब नाइट्रो ग्रुप करेगा, फ्लोरीन छोटा हो जाएगा। इसमें भी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो भी मैं दूंगा नोट्स, बट वो एंट्रेंस बेसिस पे, ये बोर्ड बेसिस पे खाली काफी है। मैं वो भी ऐड करूंगा तो भी बच्चा डर जाएगा, और बोर्ड्स के बच्चे अगर डर गए, बोर्ड वाले हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। डरना मना है, डरना मना है। अगर थोड़ा नॉलेज मिल रहा है तो और अच्छी बात है, एक्स्ट्रा चीजें सीखो जरूरी है। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन, तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा हाई, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद डी, और सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक भी इसमें आगे चल के एसिडिक कैरेक्टर भी सीखेंगे। इसी चीज को, यही कंसेप्ट को मैं खाली हिंट दे के रख रहा हूँ। जितना ज्यादा जो स्टेबल होगा कंपाउंड, उतना ही ज्यादा एसिडिक भी होगा। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड भी ये है, ए फिर बी फिर सी फिर डी। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिक। इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी और बेसिसिटी भी किया जाता है। एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई का डेफिनेशन उल्टा कर दो, नेगेटिव आई लिखे हो ना,
एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर, लिखा है ना तुमने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे लिख दो हाईली वर्ड मत यूज करना, खाली लिखोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव. एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैरी नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड सेड टू हैव पॉजिटिव आई इफेक्ट. मिथाइल आइसोप्रोपाइल, ये सब एग्जाम्पल डाल दो, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे. ठीक है, ओके. और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है ये बेसिसिटी बढ़ाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये एसिडिटी बढ़ाता है कंपाउंड का. एसिडिटी ध्यान में रखना, एसिडिटी. एक मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हारे को सामने, और एक नाइट्रो भी यहाँ पे बदल के दिया, तो नाइट्रो और भी ज्यादा पावरफुल होता है फ्लोरिन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने के मामले में. तो कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. ये थी कहानी इंडक्टिव इफेक्ट की. अब देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बच्चा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. और चार्ज कैरी पॉजिटिव चार्ज. भाई देखो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. अब चलो एक एग्जांपल और भी लेता हूं मैं, ताकि और भी पिक्चर क्लियर हो जाए. मान लो मेरे सामने यहाँ पे एनओ टू ग्रुप है, एनओ टू, और दूसरा ग्रुप है NO2 प्लस. ये A है और ये B है. अब मुझे बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको है, A को कि B को? सोच समझ के आंसर दो बच्चा. A को कि B को? इस बार B को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, क्यों मालूम है? प्लस चार्ज. देखो मैंने डेफिनेशन में लिखा है ना, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और चार्ज कैरी पॉजिटिव चार्ज. और बोले तो कैरीज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज. एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये भी है, ये भी है, पर इनमें सबसे ज्यादा भूखा कौन है? बी, क्योंकि उसके ऊपर प्लस है. एनओ टू तो न्यूट्रल है, वो भी खींचेगा, ऐसी बात नहीं है, बट एनओ टू पे प्लस चार्ज रखा बच्चा, तो याद रखना ना. तो भाई जो गरीब होगा तो वही मांगेगा ना इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे दो. कहानी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ. जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन में, तो फ्लोरिन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. और इस बार मैंने प्लस वाला भी दिखाया, और डेफिनेशन में लिखा है ना एटम कैरी इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. यस, क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ सभी को? तो ये थी कहानी. और डोनेटिंग की तो कहानी तुमने बहुत देख लिया, फ्री रेडिकल में भी देख लिया, कार्बोकैटायन में भी देख लिया, और अनायन में भी देख लिया. उल्टा नहीं होना चाहिए, अनायन के साथ तो उल्टा हो गया, भारी पड़ गया, उल्टा हो गया, रिएक्शन ही अलग हो गया. ओके, तो ये था कहानी इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, इसमें और भी एंट्रेंस वाइज क्वेश्चन है, बट मजा आता है यार इसका, एंट्रेंस का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और भी मजा आता है. तो देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा ऑर्डर दिया हुआ है, तुम देख सकते हो नाइट्रो, ये इनका डिफरेंस है बहुत छोटा सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तुम पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आगे पॉजिटिव वाला भी मिलेगा. ठीक है, तो देखो नाइट्रो साइनाइड सी ओ एच है ना, और सी ओ आर है, अराइलॉक्सी है, ये सब ग्रुप, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन भी आता है. प्लीज बच्चा अगर तुम चाहो तो तुमको ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूं मैं, अच्छा रहेगा कि करना चाहोगे अभी, रीड करना चाहोगे अभी, रीड करोगे? कर लो, चलो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कर लो कर लो, 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक रीड करोगे.
सभी ने रीड कर लिया बच्चा लोग, कोई डाउट है इस वाले पॉइंट में कहीं पे कुछ ऐसा, देख लो पूछ लो, कहानी तो मैंने क्लियर कर दिया है बहुत सिंपल फॉर्म में काफी एग्जाम्पल के साथ। ये था इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रीजन। और यहाँ पे तुम्हारे को पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लिव द व्हाट ऑक्टेट स्टेट, है ना, डू नॉट लिव द व्हाट ऑक्टेट स्टेट, अपने ऑक्टेट में ही रहेंगे, कहीं पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, राइट। और पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब सीएल की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब होता है कन्वर्ट होना, कन्वर्ट कन्वर्स, मतलब ये बाजू बाजू वाले भी संगत के चक्कर में आके वो भी अपने आप को पोलर बनाना चाहें, जैसे सी और सीएल पोलर है तो वैसे कार्बन बाजू वाले भी वो भी अपना संगत, अच्छा संगत ढूंढेंगे, पढ़ने वाले बच्चों का संगत ढूंढेंगे ताकि पढ़ाई करें, ताकि अच्छा करें, समझ में आया ना। आईपीएल लोग ना खेले, सॉरी आईपीएल देखे ना, मैं पबजी के बारे में सोच रहा था, पबजी ना खेले, नहीं तो पबजी, पबजी में भी डिस्कशन चलता है, अरे मैंने आज पबजी में ये लेवल पार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आईपीएल मैंने देखा, अरे कल का मैच देखा मैंने, वो उसने मस्त बैटिंग किया, उसने इतना जबरदस्त छक्का मारा, ये किया, सुपर ओवर हुआ, ये वो ये, तुम्हारे को क्या मिला पबजी खेल के, क्रिकेट देख के? अब लोगे एंटरटेनमेंट हुआ सर, कुछ नहीं होता है, उनको पैसे मिले, उनको फायदा हो रहा है, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तुम अपने आंखों को तकलीफ दे रहे हो। अगर वही आंखों को तकलीफ देना है तो पढ़ाई कर लो। ओके, तो काफी है, इशारा काफी है समझदार के लिए, राइट। अब तुम समझदार अपने आप को समझते हो तो पढ़ाई क्या करो, पबजी और आईपीएल क्रिकेट ये सब मत खेला करो। ओके, अब बोलोगे सर क्या करें अभी लॉकडाउन में, अरे लॉकडाउन में तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बुक को रीड करो। चलो अगला, कोई डाउट है बच्चा यहाँ पे है? नहीं ना, आगे चलूं मैं? चलो ले लो, यहाँ पे देख लो बच्चा लो, ये भी जरा पॉइंट पढ़ लो, और ये 14.6 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। ये ऑलरेडी हो ही चुका है, मैंने सिखा ही दिया अभी। देखो बच्चा, अभी मैंने सिखाया, ये प्रॉब्लम तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, जैसे मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में बताया, जल्दी ये और प्रॉब्लम नंबर ये और ये जल्दी आ। देखो दो क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा प्यारा, देखो ये तो बहुत इजीली समझेगा, ये नहीं समझेगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा पहला क्वेश्चन, तुम्हारे को कोई डाउट है? सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब तीन कार्बन के साथ सीएल, तीन कार्बन के साथ बीआर और तीन कार्बन के साथ आई। बोलता है व्हाट टाइप ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मॉलिक्यूल। तो भाई सीएल है, बीआर है, आयोडीन है, तो ये नेगेटिव आई है, क्या है सीएल बीआर आयोडीन देखने से पता चल गया ये नेगेटिव आई है, भले यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है,
अगर सब मिथाइल होता तो हम बोलते हैं वहां पे पॉजिटिव आई का काम कर रहा है, बट यहाँ पे ClBrI के एंट्री होने की वजह से मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि ये वाले इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव आई। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे CS3 CS2 CS2 NCl एंड CS3 CS2 CS2 Br। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप है, तो ये नेगेटिव आई होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मॉलिक्यूल, तो लिखा है द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है कर्सिस, कोई बात नहीं, हो जाता है गलतियां। द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस मॉलिक्यूल्स आर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिस्पेक्टिवली। ऑल दीज आर व्हाट हैलोजन एटम्स व्हिच आर व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देयरफॉर ऑल ऑफ देम एक्सर्ट व्हाट नेगेटिव आई, नेगेटिव आई देखने से ही पता चल गया। अब देखो तुम्हारे को नॉलेज होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ये नेगेटिव आई का काम करते हैं, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस थ्री हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बात किया था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन है। अब तुम्हारे को पता नहीं चल रहा होगा तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे फ्लोरिन नहीं है, फ्लोरिन 4 होता है, क्लोरिन 3 होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.4। अगर नहीं पता चल रहा है तो इलेवन सॉरी इलेवंथ में ही हो मैं भी सोचा हूँ कि ट्वेल्थ में आ गया हूँ मैं, राइट। ओके तो इलेवंथ का लेक्चर चल रहा है, तुम पेज नंबर 105 ओपन कर सकते हो, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दिख जाएगा 105 पे बॉक्स में देखो नीचे। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ब्रोमी सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। देखो वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पहले, तो यहाँ पे दिस थ्री हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, क्लोरीन में होगा, और सबसे वीकेस्ट किस में होगा, आई में होगा। तो देखो आई इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड व्हाइल द वीकेस्ट नेगेटिव आई इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर व्हाट आई, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोले तो यहाँ पे एक्सपेक्ट इज एक्सपेक्टेड इन व्हाट, क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया था, ठीक है ना, इसी चीज को मजबूर कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये और ये इन दोनों में बोल रहा हैव अ स्ट्रॉन्गर नेगेटिव आई इफेक्ट। देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चा, ये CH3 है और ये CH है, देखो ये सब एंट्रेंस टाइप वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे शुरुआत हुआ है, ये ए हो गया, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ए। अब इसके बाद बी वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 CH2 Cl। बच्चा लोग तुम लोगों को IUPAC कॉमन नेम आता है ना, वो बताओ मुझे, IUPAC और कॉमन नेम आता है कि नहीं आता है, आता है तो यस डालो, नहीं आता है तो नो डाल दो, मुझे पता तो चले बच्चों को IUPAC कॉमन नेम आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक IUPAC कॉमन नेम नहीं सिखाया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डाउट है, कहीं बच्चे कहीं गड़बड़ ना कर दे जो नए हैं, डोंट वरी। चलो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, बी वाले कंपाउंड का। मैं ए का कॉमन नेम नहीं पूछूंगा, बहुत सिंपल वाला बी वाला पूछ रहा हूँ, ए में तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, बट बी का मेरे को कॉमन नेम चाहिए। हे तुमने अभी सबने यस किया है तो भाई इसका अच्छा टाइप करने में टाइम लगता होगा, मैं समझ सकता हूँ। ओ माय गॉड रिद्धि क्या बात है, क्लोरोइथेन, दिस इज अ IUPAC नेम बच्चा, क्लोरोइथेन, मैंने पूछा कॉमन नेम, वेरी गुड रिद्धि, क्लोरोइथेन इज अ राइट नेम बट दिस इज अ IUPAC, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ए बच्चा जल्दी से टाइप करो, ये पूरे कार्बन कैसे दिख गया भाई, ये Cl है बच्चा, अगर जो सी कार्बन समझ रहा है तो प्लीज मत समझे कार्बन इसको, ये CH3 नहीं है, CH2 नहीं है, Cl है, क्लोरीन है, नॉट प्रोपेन बच्चा। हो सकता है गलतियां हो जाती है, आंखों का धोखा हो गया मेरा, वो राइटिंग नहीं समझा होगा Cl, डोंट नो, ओ माय गॉड मानसी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मुझे देखना है, मुझे पता भी करना है कि बच्चों को आयु पर कॉमन नेम आता है कि नहीं, और मैं नाम बताते जाऊंगा और तुम बोलोगे ये कहाँ से सर कौन सा नाम ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इथाइल, इथाइल CH3 CH2 इज कॉल्ड इथाइल भाई, ठीक
अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, उसमें एन की जगह पे 2 डाल दो तो देखो C2H5 मिल जाएगा, तो देखो 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5 है, C2H5। इथाइल और Cl को बोला जाता है क्लोराइड, कॉमन नेम में क्लोरो मत यूज करना, वो IUPAC में क्लोरो ब्रोमो आयडो चलता है, कॉमन नेम में हैलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड है ये। खैर मैं इसका नेमिंग नहीं पूछूंगा, काफी डेंजरस है, इजी भी है बट जाने दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मान लो, अब मुझे बताओ इनमें बोलता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? यस बता सकते हो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे रीजन ऐसा है कि यहाँ पे 2 सीएल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले 2 ग्रुप हैं, एक सीएल ए बी और एक ये भी है, और यहाँ पे भी एक ही है। अरे आयुष, वेरी गुड बच्चा, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ आयुष, ओके माय गॉड, नवीश क्या बात है, चलो चलो रहने दो, दोनों रॉन्ग है बच्चा, बट वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेरी गुड, ठीक है ना, लगा है तुम्हारे को, दिल पे लगा है, इसलिए तुम लोग आंसर ट्राई कर रहे हो, लग रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं आंसर, हाँ हमको बुरा लग रहा है सर, हम ट्राई कर रहे हैं, राइट। आयुष और नविश ने काफी अच्छा ट्राई किया, वेल ट्राई बच्चा, बहुत अच्छा, भले रॉन्ग हुआ तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा इसका भी कॉमन नेम। ये एक्चुअल में ये जेमिनल का एक टाइप है, जेमिनल डायहलाइड, और एक विसिनल डायहलाइड होता है, तो उसका टाइप है, इसमें कॉमन नेम अलग हो जाता है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड ना होते हुए भी अल्कीन का इन यूज होता है, बट मैं ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 सीएल है, दो दो सीएल है भाई, ये लय भारी, लय भारी बोले तो एक कार्बन पे दो दो सीएल है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एग्जाम्पल है, और यहाँ पे एक ही सीएल है, और यहाँ पे दो दो सीएल है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका पलड़ा भारी होगा, ये सबसे भारी होगा भाई, बिकॉज ऑफ 2 सीएल भाई, Cl2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 क्लोरीन। मान लो थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट कर दूँ, एक एच को निकाल के, एक एच को यहाँ से निकाल के, यहाँ से भी माइनस, तो बताओ इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन ज्यादा कर सकता है? ये माइनस चार्ज आ गया, ये कार्बन पे भी, ये कार्बन पे, तो इसके प्रॉब्लम को खींचने वाले, इसके दर्द को बांटने वाले इधर एक नहीं 2 लोग हैं, और इस कार्बन के दर्द को बांटने के लिए एक सीएल है, तो सबसे ज्यादा बांटने वाले यहाँ पे दो दो ग्रुप हैं, तो इसके ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, दो दो लोग करने वाले, शेयरिंग करने वाले प्रॉब्लम को, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, समझ में आया? चलो जाते जाते लास्ट 5 मिनट्स बचा है, एक एग्जाम्पल तुम्हारे को देता हूँ, क्योंकि नया कंसेप्ट डाल नहीं सकता हूँ मैं, रेजोनेंस, अधूरी कहानी खत्म करके मतलब नहीं है, तो अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस करेंगे, और या तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, जो भी है तुम बोलोगे वो, तो रेजोनेंस सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो रेजोनेंस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बता के मैं रेजोनेंस में चलूंगा, ठीक है बच्चा लोग? तो यहाँ पे देखो, ये पहला ए है, ये सी ओ एच है बच्चा, फिर बी वाला एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, भी सी एल है, और ये एक्सीएल यहाँ पे। चलो बच्चा ए बी सी तीन ऑप्शन दिया होगा, ए रुक जाओ यार, एक मना रुक जाओ, एक मना सीएल, हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये सीएल यहाँ पे, सीएल यहाँ बच्चा लोग, ओहो ये सीएल है, तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार कार्बन का अच्छे ने। अब मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किसका इंडक्टिव नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा इन तीनों में, ए क्या की बी का किसी का?
ओके, रिद्धि ने ए दिया है, नविश ने सी दिया है आंसर, रिद्धि ने आंसर ए दिया है। बाकी लोगों का क्या राय है, कोई ए के साथ जाना चाहेगा कि कोई ए अंजलि? ओके गुड, कशिश ए के साथ जाना चाहेंगे। ओके काफी बच्चे आयुष, यस सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं। बच्चा नविश, तुम एक टी के साथ क्यों जाना चाह रहे थे, ए के साथ क्यों नहीं गए? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 2 मिनट बचा है। देखो अगर मान लो ये ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया मैंने, एच को हटा के, ठीक है ना, ये एच हट गया और यहाँ पे एच, अब ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम में आ गया। अब मान लो अगर यहाँ पे देखो डिस्टेंस पे, तुम देखोगे यहाँ पे सी ओ एच के बाजू में कार्बन जो है ना अल्फा पे सी एल अटेस्ट है, क्लोज है, ये सी ओ एच के बाजू में अल्फा को छोड़ के बीटा कार्बन, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सी एल इधर अटेस्ट है, फिर ये सी ओ एच के बाजू में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और ये गामा, गामा पे सी एल है। मुझे बताओ अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अब जैसे हम रह रहे हैं जैसे जो एरिया में हमारे आजू बाजू में भी लोग हैं, तो हमको सबसे जल्दी से इमरजेंसी हेल्प करने के लिए कौन आता है बाजू में? सॉरी मैं पहले आंसर दे दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया मैंने, मतलब हमारे को क्विक बोले तो बाजू वाला, राइट, नियर पड़ोसी, राइट पड़ोसी ना, जल्दी से जल्दी वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भाई अभी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के दूसरा हमारा दूसरा रिलेटिव रहेगा और एक पड़ोसी रहेगा हमारे बाजू में, तो हमको क्विक रिलीफ देने वाला कौन होगा? भाई पड़ोसी होगा, रिलेटिव को आने में टाइम लगेगा वो 2-3 बिल्डिंग से, राइट, उड़ के नहीं आएगा, ठीक है भाई, वो भी पता चलेगा तो उसको फिर वो आएगा ना, नीचे उतर के ही आएगा, उड़ के तो नहीं आ सकता, बिल्डिंग से बिल्डिंग में छलांग तो नहीं मार सकता है, बट क्विक बोले तो हेल्प करने के लिए बाजू वाला पड़ोसी आ सकता है, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे एक कंसेप्ट है, तो ये जो सी ओ एच का दर्द है ना, जो तकलीफ है ना इस ऑक्सीजन का, इसके दर्द को कम करने वाला, इसके प्रॉब्लम को, इसके पेन को कम करने वाला ये सी एल बाजू वाला, ये जल्दी से खींच लेगा उसके इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने बताया था डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्टेंस, लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्टेंस, We जैसे have a जैसे मैं, lecture, sir. ओके मैम, ओके मैम, ओके थैंक यू मैम, लास्ट 1 मिनट मैम, Okay, मोबाइल sir. का तो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, याद रखना, जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर इफेक्ट कम होने लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होने लगेगा, तो जो क्लोज है वो जल्दी हेल्प, ये भाई दूसरी बिल्डिंग में, ये तीसरी बिल्डिंग में, इनको पहुंचने में इनके वो मतलब है ना उसके प्रॉब्लम को कम करने के लिए टाइम लगे। ओके स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अच्छे से पढ़ना जरा, और होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बुक को अच्छे से रीड करो, और भी अच्छे से रीड करो, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, बाय सर। बाय, सर थैंक यू सर। ओके मैम, ओके मैम।